हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ नॉर्मली अपनी पूजा पाठ और मैं नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी, बट हमारा अचानक से फरीदाबाद मायके जाने का प्रोग्राम बन गया। और देखिए हमने कैसे कैसे सबको मनाया और कैसे हम पहुंचे और वहां क्या क्या किया, तो आगे पूरा ब्लॉग वही रहेगा। तो कैसा लग रहा है रोज रोज लाइट भगा के? बहुत बेकार। इन्वर्टर लगा था तुमने? इन्वर्टर लगेगा गर्मी में। ठीक है, तेरे अंदर चुड़ैल आ गई क्या? तेरी आंखें चमक रही हैं लाल लाल। और ये दो बच्चा पार्टी क्या कर रही है? मायके जाने के का कपड़ा पड़ बिना तुम रात रात प्रोग्राम बना ले रहा। मैं तो भेज करा दी नहीं। अब थोड़े से देख जा रही मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी जाना प्लीज प्लीज मतलब मैं का ये भी रो रहा है फिर चले जा मम्मी मम्मी हम पूछेंगे हम परसों जा रहा है मुंह से वाले ये तो चीटिंग कर दी। ये मेरे साथ बिल्कुल चीटिंग है, मुझे कहीं नहीं जाना था। बच्चों नानी के घर नहीं जाना आपको, बैठे हो यहाँ पे दो। मैं वही सोच रही हूँ ना, नहा रहे ना ये जा रहे, मैं थोड़ी वो जा रही है, वही लेके जाएगी। आप क्यों नहीं जा रही? तो गाइज मेरी आईज के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल हो रहे हैं और अभी मैं रेडी हो रही थी तो मैंने लगाया है अपनी आईज के नीचे मामा अर्थ की बाय बाय डार्क सर्कल अंडर आई क्रीम, जो डार्क सर्कल के लिए स्पेशली है। ये इसमें है कुकुम्बर और पेप्टाइड्स। तो ये आँखों के जो नीचे या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं ये। तो गाइज़ हमारे जो टायर्ड डेज होते हैं, स्लीपलेस नाइट होती हैं, उससे हमारी आइज़ को जो हार्म होता है उनके वजह से वो डल टायर्ड बना देती हैं, ज़िद्दी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं जो कि डार्क हो जाते हैं। इसका रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, पॉल्यूशन या पिगमेंटेशन जो भी है। तो उसके लिए है बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम। ये आपकी हेल्प करती है आइज़ को रिजुवेनेट करने में और क्रीम को नेचुरली इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें जैसे कि कुकुम्बर जो अंडर आई स्किन को सूद करता है और डार्क सर्कल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट हैं जो रिड्यूस करते हैं सीधी डार्क सर्कल्स को। तो इसको हमें पी साइज अमाउंट में लेना है बहुत कम और इसको अपने आई अंडर आई और आई लिड के ऊपर अच्छे से अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करनी है हल्के हाथ से। ये नरिश करता है अंडर आई को, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, फ्री ऑफ टॉक्सिन है और क्रुएल्टी फ्री है। तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, टॉक्सिन फ्री है और कोई पैराबिन सिलिकॉन नहीं है। भी सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, ठीक है। सूट्स ऑल स्किन टाइप को ही सूट करेगा तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको सूट करेगी नहीं। अगर आपके आंखों के नीचे ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं, मेरे तो अभी थोड़े से हो ही रही है स्किन की और आइज़ की नीचे प्रॉब्लम, तो मैंने तो ये ट्राई कर रही हूँ कुछ दिन से, तो मुझे तो इससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है क्योंकि मैं आपकी फ़ोटो शेयर कर। मामाअर्थ के प्रोडक्ट सेफ मेड हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, मेड इन इंडिया है, ठीक है। और आपको पता ही है नेचर के लिए कितने अच्छे हैं क्योंकि आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मामाअर्थ से तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं वेबसाइट से, जहाँ आपके ऑर्डर को लिंक किया जाता है एक ट्री से, आपके नाम से एक ट्री प्लांट होता है तो इसके लिए भी अच्छा है, ठीक है। 2025 तक मामा अर्थ ने 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का इनिशिएटिव लिया है। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, mamaearth.in पर, इन पे आपको मिल जाएंगे। और आप मेरा कूपन कोड लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मामा अर्थ का। तो ये अगर आप मामा अर्थ के ऐप से लेंगे तो आपको जो कूपन कोड है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। और मामा अर्थ ने अपना ऐप लॉन्च किया है जो है एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए, तो उसको भी आप डाउनलोड। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। दादू दादू बुलबुला रहे हो? ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? नानी को मना कर रहे थे हम। यूं कह रहे नानी के ना जाना। मामा
दादी से पूछ, दादी मना कर रही है। दादी प्लीज नहीं बेटा, नहीं दादी प्लीज कन्नड़ी बात सुन, बात तो सुन, चल सुन ना सही बात सुन, बात सुन। एक तो हो गप्पू है तो गप्पू नु करा दे, हां दे तो दोनों ठोक दे। अर्जुन है हैं, गप्पू भी था मां, अर्जुन है गप्पू का और बता लेगा अर्जुन, बता लेगा तू भी तो अर्जुन बराबर है, अर्जुन के साथ चलेगा तू। हाँ? जो बोल रहा है वही जाएगा फिर, जो अपनी बात वही मनवाएगा वही जा पाएगा, तू नहीं जा पाएगा। चला दी है, चला दी ठीक है, आज चल परसों ओला, अभी तो तू कह रहा मैं अभी आ जाऊंगा। चल काना, मीकी ने तो मनवा लिया, अब तू रहने दे, तू भी पैर पकड़ फिर, पैर तो पकड़। नहीं नहीं काना यही रहेगा, काना यही रहेगा, मीकी चला जाए, काना रह जाए घर पे, कोई बात नहीं घर पे रह जाए, एक तो घर पे रहना चाहिए ना, दोनों एक साथ जाओ तुम। उसने तो मना लिया, तू तो मना नहीं ठीक हो रहे बेचारे, ठीक हो रहा जा रहे मम्मी। जल्दी घुसो, चलो यार तुम नहीं, हमें सबन ने छोड़ा, लेके भड़काए रहो वापस, तुम ही फेंक कर भैया दोस्त है। हाँ जब यही चले का है, अब वापस इनके साथ ही जा रहे दोबारे। तो सच में ही मामा को सच वाला सरप्राइज मिल रहा है ना, बिना बताए। इस बार तो कोई आइडिया ही ना हो ना, है ना। सोनी मासी का तो है, वो जात रही है तुम्हारे साथ। सोनी मासी का मामा को है, मामा को नहीं है कि तुम आ रहे हो। नमस्ते, नमस्ते। मामा कहाँ रहेगी तेरी? देख लियो खोल के अच्छा लगा था, और सोनू तो पक्का जाएगा। इधर दरवाजे खोल दिए भगत ने, सोनू ये तू और तेज बोल, शीशा नीचे कर ली सब अपने ने, गाड़ी में आवाज गूंजे नीचे कर ले शीशे ने, जेड आया ना लगी तो कहेगा तू सड़क पे बैठ। सोनू सोनू बाहर मेरे कोरियर आया, ले लियो। बाहर कौन जा रहे हो, कौन कौन हो? ठीक है ले लो ठोसा। कब? वे डॉक्टर के जा रहे, गए रास्ता में। अरे अब अपने एक्सप्रेशन कैप्चर करो यार, मत बताओ, बताओ मत, तो पापा जी तो है। अरे दीदी तू बात से क्या ले रहे, तू पापा जी के पास फोन कर देना, मानवी तेरा कुरियर आया तो ले लेते। गेट तो खुल रहा है वो। हमने सोची आज सरप्राइज ना, हमें सरप्राइज मिल गया। अरे उठ के तो देख ले अगर कोई आया है। पढ़ाई कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है।
देखिए ये होते हैं बच्चे। नमस्ते तो बोल ले। गुप्पी कहाँ है? अभी ला दूंगा चाय। क्या बना रहे हो ना? देख लो फिर सब सिखा देगी। एक बार दिखा देना। अरे अब नहीं टच करो, भाग जाओ भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ। दिखा तो सही मसल के। तो किस काम पे लग गया थे? हाँ ते इनके साथ दोनों से काम संभवा रही हूँ। उन्हें पता उड़े मकार लोग कहाँ है? नदारद सब मकारी है। वही बदमाश जो तुझे इस काम पे लगा के चले गए, बता कहाँ है वो मकार? माता जी नमस्ते। हम धोखा दे रहे हैं। बस बस। क्या हाल है? बहुत टाइम लगा दी तुमने। हम तेरे को डराने के ही फिराक में है, तुम तो धोखा देगे। ऐसे नीचे मुंह ऐसे करके जाना ट्रेन ट्रेन में जाते हुए ट्रेन यहाँ से भी ऐसी कर पकड़ा ऐसे मुंह कर मम्मी वो है कुछ दही छाछ? हाँ दही है। छाछ दे दो मैं थोड़ी सी। क्या मांगता तुमको? हमको हाथ धोना मांगता। लवी किसको डाल रही हो खाना? एक प्लेट खाली दे दियो। खाली प्लेट नहीं तो पापा पापा जी ने दे तुम खाली प्लेट दियो। आज एक तो जब हम जाते हैं जाओ पहले शीतल की मम्मी और वो ये हाँ बस इतनी बात लवी दिखा दे मिर्च मुन्ना को बोलिएगा तेरा नाम की ऐसी कर दी लग रही है बाल हटेंगे टोपी में भर गया कार का तो खुद ही कल और राकेश लग रही टोमेटो आ गया ट्रूप पे मैंने न्यू करी ए देखो इतने प्लेट बोल चल कैसी कर रही है वाला ने चीतल देवी का स्पा कुछ माने स्पा कर दिया नहीं मुंडक ने स्पा कर दिया मुंडक स्पा है पाए की डिलीवरी रात में भी हो फटाफट गुलाब जामुन भी ऑर्डर कर गरम सही साबुन देगा पिताजी ने ए बापे ने जान पिताजी के साथ एक वीडियो बना ली और वो भी पता कौन सी नहीं देखी मेरे पापा की शादी ये वाली बनाई है पता अभी ना पता चला कुछ नहीं हुआ ये मम्मी ना वहाँ कई साल तक तुझे बहकाई जाएंगी
छोटा भी छोटा जो तन मन काला सो होगा इंजेक्शन अंत होगा बहुत दर्द हो रहा है पता नहीं मालूम को और बाल करके ऐसी झूठ बोल बोल कर मां की फीत उतार दे उनकी कलू अर्जुन बैठा अपना काम कर रहा है क्लास क्लास ले रहा है मैंने की शर्म ना आ रही तेरे भैया कल का दूध रात को तेरा अब तक बचा पड़ा वो पड़ा किचन में मुन्ना सही बोरू मैंने 50 गाली दी वा है मुन्ना के मैडम खेरी म्यूट करो गाली ने कैसे वहां को माइक ऑन ओ मैंने की देख ले आज का भजिया तू ये करी अच्छा मुन्ना भी चिंकारी नहीं जाता प्रसाद लेती हुई जो मैडम ने वहां से कही ना माइक और म्यूट करो अर्जुन अपना माइक म्यूट करो जी मैंने कहा आप तेरे कैसे फजीयत हुई है तो कह रही मेरी फजीयत हुई तुम्हारी हुई है सही कैसे तमी रही तुम्हारी हुई है फजीयत अच्छा तनु की जात में हुआ है मैडम ने जी किसी लिखा ला पड़ा चल तू शुरुआत यहाँ से कर जी की बड़ास यहाँ से निकाल अपनी जो इतने दिन से गायब है भौजाई कहाँ गायब थी ये बता तू बता मटका क्या बनाती मैं बोल कुछ नहीं था अपना वही जैसा पटा डायलॉग बोलो लवी और कुछ है ही नहीं मैं घर चली गई थी ना एक महीने के लिए क्यों गई थी क्या मतलब था मायके जाने का पब्लिक पूछ रही है जनता सवाल चाहती है मतलब एक साल में भी मायके नहीं जाए गई तो गई क्यों एक साल में एक महीने के लिए तो गई थी एक साल में ही गई थी मैं पूरे भैया दोज के बाद गई ना तू नहीं भैया दोज पे तो मैं गई नहीं साथ साथ भैया दोस्त मनाती ना है मैं वही तो कह रही भैया दोज के बाद गई ना रक्षाबंधन पे गई साथ साथ गई गई तो गई क्यों मतलब भाभी तो हमेशा यही रहनी चाहिए आ गए क्या तूने इसको लड़ाई करके घर से निकाल दिया था क्या हां और क्या भगा दी थी क्या और क्या बहू भगा दी थी क्या और क्या भगा दी तुझे पता नहीं है बहू भग जा बेबी शावर में बुलाओगे कि नहीं कौन सा बेबी शावर हमारे गुजरात में कौन से बेबी शावर हुए तो यूं कह रहे हो कम मैं लड़का लड़की कुछ भी हो दोनों बराबर है तो लड़की की तो सोटन करवाएगा मैं लड़का कभी ना करूं बराबर रखेगा लड़की का नहीं होगा लड़के का कंजूसी बराबर कर रहे हैं हमको तो तू करेगा हम तो जापा करने आएंगे हमारे लिए तो तेरा फर्ज है ठीक है जितना जितना हमारा पांच पांच छह छह सात सात शेर जो भी रहेगा मीठा वो तू बनवाएगा बाकी जो जच्चा के लिए मैं सोचती मुंह लाल है पसीने वाला स्माइली बन जाता मेरा पसीने लगा मुंह लाल तो ये तो मीठे की बात कर रहे हैं अभी ठीक है खट्टे की बात कर रहा हूं मीठा मीठा होगा अब तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लेना चीज धर दो मामे ना बात थू थू होएगी तुम्हारे जब आप हुए थे सोनू मामा को आपके बड़े पापा एक ढाबे से पे वहाँ पे छोले वोले खिला लाए थे चावल छोले चावल से राजमा चावल ऐसे कुछ है तो आप तो वैसे ही बुरे हुए थे और नहीं बचा तो सर तेरे बड़े पापा ने पूरी कर दी इधर हो जाओ थोड़ी सी शांति इधर हो जाओ मम्मी सीधी लेट जाएंगे
मम्मी थोड़ी टेढ़ी भी सोच रही है मम्मी पैसे निकल लो छाती पे दर्द है एक न्यू लात हेलीकॉप्टर वाली लात हेलीकॉप्टर लात चलती तो मम्मी तो देखिए रात के हो रहे हैं 1:15 और यहाँ चल रही है ग्रीन टी। सो जाओ सो जाओ। हाँ काना बोल रहा है सो जाओ और इसका चल रहा है डिनर। पनीर की ग्रेवी है ना। इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।